तो गाइज फाइनली मैं वहाँ पे हूँ जहाँ मेरे को नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे साइंस सिटी है। मैंने पूछा था कि यहाँ पे कॉमर्स सिटी किधर है क्या, तो यहाँ पे लोग बोले कि यहाँ पे कॉमर्स सिटी नहीं है। सो गाइज हम कॉमर्स स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी हम साइंस सिटी जा रहे हैं। चलो देखते हैं ना कि साइंस सिटी में क्या होता है। तो गाइज ये है साइंस सेंटर, और साइंस सेंटर के बाहर हम है। बाहर तो एंट्री फी कुछ नहीं लिया, और बाहर का सीनरी ऐसा है। तो गाइज यहाँ पे दिया हुआ है कितना एंट्री फी ओहो, एंट्री फी पर है 65, और यहाँ पे रोप वे का 60 लिखा है। चलो देखते हैं, चलते हैं। थैंक यू। हमने ले लिया है टिकट और हम जा रहे हैं अभी यहाँ पे रोपवे से जा रहे हैं, और हम यहाँ का ऊपर से पूरा का पूरा सीनरी जो व्यू है और वो देखते देखते हम जा रहे हैं। अभी अब अकेले हैं हम यहाँ पे, हम मस्त पैर फैला के मस्त बैठ के सो रहे हैं। अभी हम साइंस सिटी पूरा का पूरा ऊपर से देख रहे हैं। अभी चलो देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाता हूँ साइंस सिटी ऊपर से कैसे दिखता है। ओहो, तो ऐसे दिखता है। हाँ, हम ऊपर आ गए। तो ये दूसरा क्या है पता नहीं, इधर का क्या है इसको भी चल एक्सप्लोर करना पड़ेगा। वहाँ पे है सेमिनार हॉल्स वगैरह, और यहाँ पे छत वगैरह है। वो आ रहा है, लेकिन वो खाली आ रहा है जा रहा है। और यहाँ हमें पूरा कपड़ा ऐसा लग रहा है कि साला हम पूरा कपड़ा ऊपर से देख रहे हैं। ये क्या है, ये चलो देखते हैं। गाइस ये क्या हो रहा है, ये हो गया है जूम, और ये है और यहाँ पे अटक गए। अरे चलो। आप लोगों को पूरा का पूरा नज़ारा दिखाऊंगा यहाँ से। वाह, वो क्या है पता नहीं, लेकिन बहुत सुंदर दिख रहा है रे। यहाँ से लोग अटक गया फिर से। ओहो, बहुत सुंदर व्यू दिख रहा है यहाँ से। पता नहीं कहाँ एंट्री लेना पड़ेगा। फिर वहाँ पे है साइंस एक्सप्लोरेशन हॉल, और यहाँ पे डायनासोर भी लिखा है, लेकिन वहाँ पे डायनासोर तो नहीं होगा शायद। हम यहाँ पे हैं, और हम पूरा कपड़ा जूम करके आप लोगों को दिखाएंगे, ऐसा है वैसा है सब के सब, साइंस सिटी कैसा है वो दिखाएंगे।
गाइस अभी मैं यहाँ पे खड़ा हो रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे खड़े होकर पूरा कपड़ा व्यू देखना है, पूरा कपड़ा सीनरी देखना है ना, इसीलिए हम यहाँ पे खड़े होके जा रहे हैं। मैं अभी जाके सिक्किम में एक कमर्स सिटी बनाऊंगा साला। सब कमर्स बेवड़े लोगों को, कमर्स में बेवड़े नहीं होते, चुतिया लोगों को, सब कमर्स के चुतिया लोगों को मैं बुलाऊंगा और वहाँ पे जाके मैं सबको एंट्री फी लूँगा और एंट्री फी 1000 रुपये रखूँगा सारा। यहाँ पे 60 रुपीज़ में एंट्री फी मिल जाता है लेकिन मैं 1000 रुपये रखूँगा अभी। हम खड़े होके यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, कोई देख लेगा तो हमको मार डालेगा, लेकिन 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 कोई हमको यहाँ पे कौन आएगा, कौन आएगा, कोई नहीं आएगा यहाँ पे। हम रोपवे में है अभी, तो यहाँ पे ऊपर का पूरा कपड़ा सीनरी जो है हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये हमको धीरे धीरे से नीचे ले जा रहा है भैया, लेकिन कोई बात नहीं, हमने पूरा कपड़ा साइंस सिटी जो है हमने एक बार तो देख लिया, हमने पूरा कपड़ा साइंस सिटी तो ऊपर से ही देख लिया, अब नीचे से क्या देखना है, क्या रहेगा यार नीचे से देखने के लिए ना। ये तीनों बोगे में सिर्फ हम ही है। मैंने लगता है कि मैंने पूरा कपड़ा रिजर्व करके रखा है, अभी तक। हाँ, हमारे बैग में इतना पैसा है कि साला हम पूरा कपड़ा साइंस सिटी खरीद लेंगे, हम पूरा कपड़ा यहाँ का साइंस सिटी खरीद लेंगे, लेकिन नहीं, अभी हमको नीचे उतारेगा ये, अभी ये भोसरी वाले हमको नीचे उतारेगा, ठीक है, तो उतारने के बाद हम आपको दिखाएगा। तो गाइस अभी मैं रोपवे से निकला हूँ, रोपवे से उतर के निकला हूँ, तो गाइस कुछ भी हो जाए लेकिन चश्मा तो पहनना पड़ेगा ना, थोड़ा इग्नोर तो मारना पड़ेगा, थोड़ा हैंडसम तो होना पड़ेगा, थोड़ा कूल तो लगना पड़ेगा ना, इसलिए गाइस मैं अभी चश्मा लगा के वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस अभी 5-6 हमने ऊपर से देख लिया कि 5-6 यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह है, तो उस पर जाएंगे अभी हम। डार्क राइड देख के उसके बाद ये शो ऊपर में जाएगा, ऊपर में जाएगा। तो पहले अंदर वो एक कैमरा अलाउड है ना, हाँ लेके जाइए, शो में अलाउड नहीं है। इविगेशन ऑफ डार्क साइड, तो यहाँ पे जाएगा इविगेशन ऑफ डार्क साइड। लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं इक्थियोस्ट्रेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ और मिले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं माप के थे और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुसार भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेश रेतों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंक हुआ करता था, जिस एक बहुत बड़ी पृथ्वी से जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल मेघ ने हजारों वर्षों तक सूर्य की किरणों को धरती पर पहुंचने का आरंभ किया था। फलस्वरूप विशाल पुष्पगुंबद आकार के कोनवा ग्लाइडोडॉन जैसे विशाल आनंदों में उनके मौजूद थे। सिविल टूथ वाले पार्क और विशाल सिंह वाले ही जंगल में शहर से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीर में फाड़ देने की मृत्यु के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वही दानव सब जगह लाइट आशना बोलती है।
जाएगी यहाँ पर, यहाँ पर हमको ह्यूमनिबलेशन के नाम पे, म्यूजियम के नाम पे हमको सब वो बंदर वगैरह दिखा दिया, क्या क्या दिखा दिया पता नहीं। अरे बंदर देखना था तो मैं घर रोज घर पे अपने घर पे बंदर देखता हूँ यार, मेरी बहन बंदर से कम थोड़ी ना है, मैं हर रोज बंदर देखता हूँ। ये मेरे को यहाँ ला के इतना कोलकाता में ला के यहाँ पे म्यूजियम नहीं, म्यूजियम पे नहीं, यहाँ पे जो साइंस सिटी है वहाँ पे बंदर दिखा रहा है यार मेरे को। हम रोज घर पे देखते, हमने बोल दिया उसको कि हम रोज घर पे देखते यार बंदर, तो मेरी बहन बंदर से थोड़ी कम थोड़ी ना है। ये पानी है एट द एंड, तो पानी ही पीना पड़ेगा, नारियल का पानी पी के हम यहाँ कोलकाता में आए तो नारियल का पानी नहीं पिया तो क्या पिया ना। तो पानी पीने के बाद अभी मैं जाएगा। सो आज के लिए इतना ही ब्लॉग, सो टाटा बाय बाय, मेरा स्टॉप होने वाला है, तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे।